दोस्तों मैं हूं प्रदीप गोयल तो आप देख रहे हैं पीएस वाले। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च के ऊपर, जो कि ओल्ड गोवा में पड़ता है। दोस्तों बहुत ही पुराना चर्च है और बहुत ही बड़ा चर्च है, ये गोवा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चर्च यही है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस चर्च की नींव 1594 के अंदर रखी गई थी और यह बनकर तैयार हो गया था लगभग 1605 के अंदर। दोस्तों एक्चुअली पहले भी मैं यहाँ पर आया था, लेकिन उस टाइम पे ये एग्जीबिशन हॉल और वो जो म्यूजियम है दोनों ही बंद हो चुके थे, तो टाइम भी कुछ ऐसा ही हो गया था दोस्तों। तो अभी हम दोबारा से आए हैं तो आज पूरे को कंप्लीट करके जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये पीछे की तरफ सबसे पुराना म्यूजियम है चर्च का, तो अभी इसी को देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एग्जीबिशन की तरफ, यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो अभी हमने एग्जीबिशन भी देख लिया है और काफ़ी अच्छा था दोस्तों। तो अभी हम निकलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। जैसे मैंने बोला था इसके दो हिस्से हैं, तो पहला हिस्सा हमने देख लिया है और पहले हिस्से को बहुत ढंग से सजाया गया है, अच्छे से पेंट वेंट करके रखा गया है, लेकिन दूसरे हिस्से के ऊपर कोई पेंट वेंट नहीं है, तो वो थोड़ा सा पुराने स्टाइल के अंदर ही उसको रखा गया है। अभी हम जाएंगे उसी की तरफ। एक तो दोस्तों एक चीज़ देखी मैंने, जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो कई बार कमेंट आता है हमें पहले से ही पता था। यार ठीक है, अच्छी बात है तुम्हें पहले से पता था, तो जिन लोगों को नहीं पता है कम से कम उनको तो पता चलने दो यार, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो यार अजीब लगता है सुन के कि ये तो हमें पहले से ही पता था, यार अच्छी बात है पता है। दोस्तों अभी हम इस ओल्ड चर्च के अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसके क्लोजिंग का टाइम हो गया है, 5 बजे तक ही आपकी एंट्री हो सकती है, उसके बाद में आप एंटर नहीं कर पाएंगे। तो अभी 5 बज चुके हैं दोस्तों और ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का डिफरेंस रहा वरना मैं आ सकता था। तो दोस्तों अब हम स्टोरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है। तो एक धर्म प्रचारक थे फ्रांसिस जेवियर, तो उनकी बॉडी को यहाँ पर रखा गया है और वो बॉडी लगभग 10 साल के बाद निकाली जाती है और इस चर्च से जो सामने की तरफ जो चर्च है जहाँ पर बिल्कुल अच्छे से उसको रखा गया है वहाँ पर उसको ले जाया जाता है। और वो जो बॉडी है 10 साल में एक बार निकलने का टाइम होता है और वो टाइम अभी आने वाला है दोस्तों, वो नवंबर के अंदर निकाली जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो 24 नवंबर को उसको निकाला जाता है और फिर दूसरे चर्च में ले जाया जाता है और फिर वहाँ से 3 दिसंबर को वापस इसी चर्च के अंदर रख दिया जाता है। और उस समय यहाँ पर बहुत भीड़ होती है दोस्तों, बहुत यहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं बचती है, लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं।
तो उनकी बॉडी को 450 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसमें सड़न नहीं है। और जिसके दौरान बीच में 3 बार उन्हें दफनाया भी गया, दफनाने के बावजूद जब उनको निकाला गया तो फिर से उनकी बॉडी ऐसी की ऐसी ही थी। तो अभी उस बॉडी को 10 साल में एक बार निकाला जाता है जैसे कि मैंने बताया, और अभी टाइम है 2024 के अंदर उसको निकाला जाएगा। दोस्तों ये है गोवा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चर्च। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस चर्च के ऊपर, जो कि ओल्ड गोवा में पड़ता है। दोस्तों तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वाले।